जी वालेकुम अपना घर डॉट पी के एच फैमिली दिस इज़ योर फ्रेंड असद अली आई होप कि आप सब लोग खरीद से होंगे तो आज के जो घर हमारे पास मौजूद है इट इज़ अ सिक्स मरला डबल स्टोरी हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट सो गार्डन इस्लामाबाद सबसे पहले अगर हम इस घर के फ्रंट फेसिंग पे नज़र डालें वी हैव गॉट टू कॉम्बिनेशन एक तो हमें यहाँ पे टाइल्स नजर आ रही हैं इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रॉक वॉल का वर्क किया गया है एंड अलॉन्ग विट वी हैव गॉट फोर्टी फीट वाइड स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस जो कि कारपेटेड रोड है इसके अलावा अगर बात करूँ हमेशा की तरह इस घर की मेन हाईलाइट्स की वो है जी इस घर की अप्रोच इस घर से मेयरली uh, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का डिस्टेंस है दैट इज अबाउट टू टू थ्री मिनट जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है और इसके अलावा सेकेंड जो इसकी हाईलाइट है वो है यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस तीनों फैसिलिटीज़ सोँ गार्डन में ईज़िली अवेलेबल हैं पानी जो है यहाँ पे सप्लाई का आता है इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली अवेलेबल है और गैस भी यहाँ पे इजीली uh, अवेलेबल है इस घर के एप्लीकेशन दी गई है uh, गैस की uh, तो अभी हम इस घर का करेंगे एक फेयर इम्पार्शल एंड ऑनेस्ट रिव्यू जिसमें इस घर के एक्सटीरियर से लेके घर के इंटीरियर तक हम डिस्कस करेंगे तमाम खूबियाँ और खामियाँ मेरिट्स और डी आ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाता चलूँ कि कल की जो वीडियो होगी फ्राइडे को यानी कि काफ़ी स्पेशल होने वाली है बहरिए टाउन में एक घर है जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल है और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि असद भाई बहरिए टाउन में कोई इंस्टॉलमेंट्स वाला घर लेके आए तो आ, तो मैं उन्हें यही कहता था कि हम लेट आएंगे मगर ग्रेट आएंगे सो फाइनली द वेट इज़ ओवर कल शाम चार बजे वो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो ऑब्वियसली जो सबसे पहले हमसे रापता करेंगे उनको हम वो घर लेके देंगे सो so, अभी हम इस घर पे वापस आते हैं कारपोर्ट्स अभी हमने देखा वी हैव गॉट पार्किंग स्पेस फॉर टू कार्स इन दिस कारपोर्ट्स जिसमें दो आपकी गाड़ियाँ लाइक like, एक सडान और इसके अलावा एक जो आपकी हैचबैक होती है दो गाड़ियाँ आ सकती हैं अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है जिस तरह पराडो हो गया या टी या लैंड क्रूज़र होगी वो यहाँ पे आपकी दो गाड़ियाँ नहीं पार्क हो सकती सो so, सबसे पहले हम आते हैं जी यहाँ पे ड्राइंग रूम के अंदर तो ओवरऑल काफ़ी हमें डिफरेंट कलर टेस्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं सामने फीचर्ड वॉल दी गई है लेफ्ट साइड पे टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के दरमियान में कोई ऐसा सेपरेशन वाला सिनेरियो नहीं मौजूद यहाँ पे और स्वा गार्डन में आज से छः महीने पहले आठ महीने पहले लाइक लास्ट ईयर मई और अप्रैल में जब हम आते थे तो घर तब भी अवेलेबल थे लेकिन उनकी प्राइसिस काफ़ी कम थी लेकिन रिसेंट टाइम में बढ़ती हुई डिमांड की वजह से यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस मौजूद है हाईवे से जस्ट टू मिनट्स का डिफरेंस है सॉरी डिस्टेंस है और इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी अच्छी है जो इनका कमर्शियल एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है मेरा नहीं ख्याल है अगर आप सोंग गार्डन में रहते हैं तो आपको किसी चीज़ के लिए सोंग गार्डन से बाहर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल भी यहाँ पे अंदर मौजूद हैं इसके अलावा पार्कस भी इनके मौजूद हैं ग्रेव इनका सेपरेट है तो जो ऑल बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ऑफ़ लिविंग एवरी थिंग इज़ अवेलेबल इन दिस प्लेस तो अगर मैं इस घर की एक्मडेशन की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है फोर बेडरूम्स जिसमें से टू बेडरूम्स आपके ग्राउंड पोर्शन पर हैं और टू बेडरूम आपके फर्स्ट फ्लोर पर हैं एंड अलॉन्ग विद डेट अगर मैं इस घर की हाउस डायमेंशनस के हवाले से डिस्कशन करूँ तो इस घर की है जी थर्टी इंटू फिफ्टी और देसी ज़ुबान में हम इसे कहते हैं तीस पचास और जिसमें थर्टीज़ का फ्रंट होता है और 50 फीट वाइड ये लॉन्ग uh, होता है तो अगर हम वॉशरूम के अंदर आते हैं तो ओवरऑल uh, वॉशरूम में अच्छा काम हुआ हुआ यहाँ पे स्लैब uh, दिया गया है ब्लैक ग्रेनाइट का एंड वी हैव गॉट दिस वैनिटी अलॉन्ग विद डैट हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश सीट दी गई है तो अभी हमने देखा यहाँ का ग्राउंड पोर्शन और uh, <coughs> इसके साथ वी विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है किचन अच्छा इस घर में कुछ जगहों पे कलर कंट्रास्टिंग के अंदर आई गेस सम पीपल वुड से कि यार थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था जिस तरह यहाँ पे ये पिंक कलर का इस्तेमाल किया गया है और कुछ जगहों पे हाईली सेचुरेशन uh, वाले कलर्स यूज़ किए गए हैं बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप uh, की अपनी प्रेफरेंस क्या है ठीक है और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप कहेंगे कि जी नहीं ये घर हम नहीं लेते ये ऐसी चीज़ें जो बाद में चेंज भी हो जाती हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इस घर के हवाले से मैं बताता चलूँ जिस तरह आपको पता है कि हमेशा मैं जब भी घर की वीडियो बनाता हूँ तो कोशिश ये होती है जितने उस घर के फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जाए तो दिस इज़ अ बिल्डर्स हाउस हाउस और आई गेस आप लोगों को खुद से भी आइडिया हो चुका होगा तो अभी हम यहाँ से आए हैं टू द फर्स्ट फ्लोर और क्लासिकल स्टाइल के अंदर इस घर का जो है वो फ्रंट एलिवेशन बनाया गया एंड अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो हमारे पास जहाँ पे भी टू बेडरूम्स मौजूद हैं तो आप कुछ बात कर लेते हैं इस घर की प्राइस की तो डिमांड जो है इस घर की है टू करोड़ ठीक है दो करोड़ इस घर की डिमांड है और अगेन मैंने जिस तरह थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ जी चीज़ शेयर किए गए जब हम लास्ट ईयर अप्रैल और मई और जून की वीडियोज़ अपना घर डॉट पी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर वन फिफ्टी वन फिफ्टी फाइव का यही वाले घर इसी तरह के घर हमने बहुत ज़्यादा सेल किए बट ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी कल भी आप लोगों को पता चला होगा कि साढ़े आठ पौना नौ सौ रुपया जो है वो सीमेंट का बैग हो गया इसके अलावा जो आपका सर यह वो तो पहले ही आपको पता जो आयरन रॉड्स हैं वो भी तकरीबन दो लाख के करीब पर टन चलेगी प्राइसेस उसकी तो ऑल दीज़ फैक्टर्स और फिर बढ़ती हुई आबादी लोगों की डिमांड अगर हम लोग एक एक साल घर ख़रीदना छोड़ देना मैं आपको हकीकत बात बताऊं सारे पाकिस्तानी मिल के तहिया कर हमने बिल्डर का बना हुआ एक साल घर नहीं लेना अगर आप तहैया कर लें तो ऑलरेडी प्राइसेस वैसे ही नीचे आ जाएंगी जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस उन लोगों को नीचे करनी पड़ेंगे अभी वहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मुंह मांगी कीमत हर बिल्डर को मिलती है इसी वजह से हर बंदा जो है वो प्राइस इंक्रीज़ करता है और हर सोसाइटी में यही हालत है कि एक गरीब आदमी जो कि जिसकी तनख्वाह साठ से सा सत्तर हज़ार है आ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो साठ से सा सत्तर हज़ार उसकी तनख्वाह है वो महीने का उसका चालीस हज़ार खर्च है अगर वो अगले बीस साल भी जो रिमेनिंग तीस हज़ार है वो सेव करता रहेगा तो फिर भी ही वॉन्ट बी एबल टू परचेज़ अ हाउस इन दिस डे एन एज अगर मैं बात करूँ अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अगर आप ये घर परचेस करना चाहें तो आप ये परचेस कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो लोन के एलिजिबिलिटी अवेलेबल है तमाम बैंक्स यहाँ पे लोन दे रहे हैं तो ये एक जो लोग नहीं इसको अफोर्ड करते उन, कर सकते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम के अंदर आए हैं ओवरऑल इस घर के अंदर दी गई हैं जी टाइल फ्लोरिंग्स और यहाँ से अभी हम चलते हैं बाहर और वीडियो यार लाइक कर दिए Uh, आज की इस वीडियो पे हमें चाहिए वन थाउजेंड लाइक्स एंड इसके अलावा वी विल गो टू वर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस कबर्स यहाँ पे दी गई हैं हमारे पास मिरर uh, भी दिया गया मेकअप वगैरह करने के लिए कल वाली मेरी बात मेरे ख्याल से काफी लोगों को समझ में आई है क्योंकि कल मैंने बिल्डर्स हजरात के लिए एक खास पैगाम दिया था कि अगर आप लोग अपना घर बेचना चाहते हैं तो आप ख़ातियों के लिए जो है वो घर में जितनी भी आइटम्स हैं इंक्लूडिंग मिरर एंड ऑल दीज स्टफ़ उसको आप बढ़ाएं ताकि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन उन्होंने लेना होता है सो ओवरऑल रेंटल वैल्यू की मैं अगर बात करूँ इस घर की तो हाईवे से करीब होने की वजह से तमाम अम्यूनिटीज़ यहाँ पर हैं कमर्शियल सेंटर यहाँ का बहुत अच्छा है उसकी वजह से यहाँ पर रेंटल वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी हैं तो अराउंड आपका फ़िफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड पर ये दोनों पोर्शन आपके लाइक ग्राउंड पोर्स एंड फर्स्ट फ्लोर आप रेंट आउट कर सकते हैं और रमज़ान करीब आ रहा है uh, तो लाजमी जो है वो आप लोगों ने दुआ में याद रखना है अपना घर डॉट पी के को अपने भाई इसद अली को एंड uh, <coughs> अभी हम चलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स द रूफ टॉप वी विल चेक एंड सी के वेदर वी हैव गॉट अ सेवन क्वार्टर अवेलेबल इन दिस हाउस पर्सनली आई फील के नहीं होगा लेकिन लेट्स लुक एंड Uh, हमारे पास यहाँ पे ऊपर चिप्स दी गई है फ्लोरिंग के लिए वाटर टैंक जो है वो सीमेंटेड होना चाहिए यहाँ पे छोटा सा प्लास्टिक का टैंक दिया गया जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से काबिल कबूल नहीं है ऊपर हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है एंड अलॉन्ग विद डेट वी हैव ऑल्सो गॉट दिस वॉशरूम एज वेल सो आई होप कि आज का ये रिव्यू हमारा आपको पसंद आया होगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह